So hello everyone, this is Rahul from Geeky Rahul. Today we're going to talk about week 5 of Maths 2. This is the first part of the video and just allow me a second. So this is the first part of the video and we'll be talking about null space, nullity and basis. These are the three topics that we'll discuss. So let's get started. What is null space? If we talk about a homogeneous linear set of linear equation, homogeneous. Linear equation, then Ax equal to 0. So usually क्या होता है कि x जो होता है ये हमारा solution बताता है, तो इस वजह से we call it a solution space, right? But here as we can see that it's Ax equal to 0. Ax equal to 0. So what we are getting by multiplying the matrix A with x vector, we are getting a null vector, right? So that's why we call x as the null space of A, right? That's why we call x as the null space of A. So this is the logic and that's why we call it a null space of A. Now what is nullity? Nullity kya hota hai? Nullity is the dimension of null space. Dimension of the null space is called as nullity. अब भाई nullity निकालते कैसे, मतलब this is one line statement but we are supposed to find out the nullity. So nullity निकालते कैसे, nullity equal to nullity plus rank. There is a formula, nullity plus rank equal to size of matrix. Therefore nullity जो होता है, nullity will be equal to size minus rank, right? This is the whole funda for this. And so this is the second thing. And now let's talk about basis. Basis of null space. अब भाई null space वाला जो x है, x जो vector है वो होता है usually x1, x2, x3 से लेके xn तक, right? तो इस पूरे वेक्टर को ही जो हमारी वैल्यूज निकलती है इसी को हम बेसिस ऑफ द नल स्पेस बोल देते हैं, ठीक है? नल स्पेस का बेसिस. तो हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाएंगे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3. दिस इज ए मैट्रिक्स. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द नलिटी एंड द बेसिस. सो नलिटी कैसे निकालेंगे, बाय कन्वर्टिंग इट टू द रो इक्वेशन फॉर्म. नलिटी होता क्या है, नलिटी जो होता है वो होता है, अगर तुम सॉरी नलिटी निकालेंगे और नलिटी कैसे निकलती है, नलिटी जो होती है वो होती है साइज माइनस रैंक, राइट? अब रैंक कैसे निकलती है, रैंक क्या होता है, रैंक इज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रो इक्वेशन फॉर्म, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स, ठीक है? दिस विल हेल्प अस फाइंड आउट रैंक. तो इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, एंड सिमिलरली R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1, तो क्या देखो 1 1 1, 0 0 0 0 0 0. दिस इज हाउ वील बी एबल टू गेट इट. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1. देयरफॉर रैंक विल बी 1. तो नलिटी क्या आ जाएगा, नलिटी विल बी साइज कितना है, 3 क्रॉस 3. तो साइज विल बी 3 माइनस व्हाट इज रैंक, 1. तो नलिटी विल बी 2. दिस विल बी द आंसर. Now let's talk about basis. इसमें हमें we have to find out the basis as well. तो basis कैसे निकलेगा, हमें दिया हुआ basis क्या होता है, solution होता है मोटा मोटा, ठीक है? x की values. तो ax equal to 0 given है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं. तो हमारी matrix क्या है, 1 1 1 0 0 0 0. x क्या है, x1 x2 x3, right? And this is 0 0 0. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस 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 विद दिस. तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 + x3 विल बी 0, राइट? देयरफॉर
एक्स वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू प्लस एक्स थ्री। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही रो है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो मतलब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो एक्स टू को हम लेट कर लेते हैं टी वन, एक्स थ्री को हम लेट कर लेते हैं टी टू, राइट। देयरफॉर एक्स वन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी वन प्लस टी टू, राइट। तो अब जैसे कि मैंने बेसिस में बताया कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज होती हैं, तो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, माइनस ऑफ टी वन प्लस टी टू, और एक्स टू इज टी वन, एक्स थ्री इज टी टू, राइट। सो दैट्स हाउ वी मेक इट वर्क, राइट। तो अब हमें बट क्वेश्चन जो दिया होता है उसमें होता है कि हमें बताना है, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि क्या माइनस वन ज़ीरो वन इसका बेसिस है, इज़ इट अ बेसिस, क्या ज़ीरो वन वन बेसिस है, ये बताना होता है। तो लेट सपोज लेट टी वन इक्वल टू वन, टी टू इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में आ जाएगा माइनस ऑफ टी वन प्लस टी टू, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन, टी वन इज़ वन, टी टू इज़ ज़ीरो। सिमिलरली इफ, तो एक बेसिस ये हो गया, इफ़ टी वन इक्वल टू ज़ीरो टी टू इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, बेसिस निकल के आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन ज़ीरो वन। तो जैसे सपोज ऑप्शन में दे रखा है कि इज इट, क्या ये बेसिस है, तो हाँ ये बेसिस है। तो इस तरीके से मल्टीपल बेसिस ले सकते हैं, जैसे टी वन और टी टू की वैल्यूज लेट करके, दैट्स हाउ वी कैन कंप्यूट द बेसिस एंड सिमिलरली नलिटी। So I hope you are pretty much clear about these things, these three topics. We'll be solving some questions related to this in the next set of videos. Thank you.